नाजिन ये देखें, इस्लामाबाद के जो पुलिस अहलकरान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया जा चुका है कंटेनर्स के साथ। अब ये देखें, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक इस्लामाबाद पुलिस का डाला आया और उन्होंने गिरफ्तारी करने की कोशिश की, तो उसके बाद जो कारकुनान है वो मुश्तिल हो गए। कारकुनान ने जो है वो देखें, अब वो इस्लामाबाद पुलिस का जो अहलकार है उसको यहाँ से जाने का कह दिया गया और गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही थी। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं कंटेनर्स लगा के बंद किया गया, और उसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के अहलकरान हैं उनके साथ कुछ सिविल में लोग हैं, और यहाँ से कारकुनान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब का जो ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हैं, क्योंकि तमाम इस्लामाबाद को सील किया गया है। किसी भी शख्स को इस्लामाबाद ख़ासतौर पर जलसा गाह की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता जो है वो मैसर नहीं है। हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद होंगे, इनसे बातचीत भी करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जलसे के लिए आए थे? जलसे के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ मानसरा से। अच्छा। यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो वर्कर यहाँ पे पहुँचना शुरू हुए हैं, तो इससे पहले भी नामालूम अफराद यहाँ पे आए हैं जिन पे हमें शक हो गया था कि ये कोई लोग हैं जो यहाँ पे देख के गए, और उसके बाद आपने देखा कि पुलिस की गाड़ी आई, लेकिन यहाँ पे वर्करों ने उनको बहिफाजत यहाँ से आपने जाने दिया। किसी ने पुलिस वाले पे हाथ भी नहीं उठाया। सिर्फ इन लोगों का जुर्म ये है कि ये जलसे के लिए आए हैं और इमरान खान की काल पे आए हैं। अदालत ने तो मेरा ख्याल कहा है कि कारकुनान को ना रोका जाए, जो आज का जलसा है उसकी बकायदा तौर पे इजाज़त दी इससे पहले कई दफ़ा। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये इस्लामाबाद पुलिस अहलकरान जो हैं एक प्राइवेट गाड़ी पे आए हुए हैं, इसके अलावा एक डाला भी मौजूद है। ये वही लोग हैं जो 9 मई को निकले थे, नामालूम लोग, ये वही लोग हैं। सेवन, अगर एक बंदा आता है उसके पास अदालत के वारंट होते, आपने कहा कोर्ट की बात, तो इनके पास कोई वारंट नहीं, बकायदा इजाज़त दी है कि आज कानून नहीं है यहाँ पे, कानून को आज ना रोको, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये मरियम नानी और ये जो लोग हैं ना, इन्होंने मुल्क को यरगमाल बना दिया।